अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां किच्छाती ग्राम मलसी में चल रहे मदरसे में एक मौलवी द्वारा कुछ बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना के बाद भाजपा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल किच्छाती ग्राम मलसी स्थित मस्जिद में अवैध रूप से एक मदरसा संचालित हो रहा था। पिछले दिनों मदरसे में पढ़ने जाने वाली एक बच्ची के पिता ने मौलवी पर बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का मुकदमा दर्ज कराया था और इसी घटना के विरोध में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायक शिव अरोरा ने आरोपी मौलवी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने जनपद में संचालित सभी अवैध मदरसों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मदरसों में रहने वाले मौलवियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किए जाने चाहिए। वहीं जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने भी बताया कि आरोपी मौलवी पर कार्यवाही की गई है। जांच अभी जारी है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हाल ही में दिनांक 17 तारीख को हमने एक एफआईआर लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही, जो पहला तहरीर दिया था उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे, उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था करके। तो कुल मिला के अभी तक 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन में। तो अभी तक हमने 5 बच्चियों का नियमानुसार बयान कराया है वीडियोग्राफी में और कोर्ट के सामने भी बयान कराया है। काफ़ी हैरतन चीज़ें हैं। देखिए, ये सारे बच्चियाँ नॉर्मल स्कूल में जाते थे, जैसे हम सबके बच्चे जाते हैं ऐसे नॉर्मल स्कूलों में, अंग्रेजी हिंदी मीडियम स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे मॉर्निंग। तो आफ्टरनून, दोपहर को जब स्कूल से वापसी होती है, वो सब मलसी गांव के ही रहने वाले थे, आसपास के इलाके का। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मानवता को शर्मसार करने वाला जघन्य एक बलात्कार का कांड हुआ है। ऐसा कांड, वो कांड जो मलसी गाँव में मस्जिद में के ऊपर एक मदरसा बनाकर एक मौलवी के द्वारा मासूम 5 साल से 10 साल की बच्चियाँ, उनका यौन उत्पीड़न किया गया। और तो यौन उत्पीड़न किया गया, वो यौन उत्पीड़न इतना घटना है, इतना मौलवी है और मदरसा है। और इस तरीके से यौन उत्पीड़न की लगातार घटनाएं देखने में आ रही है। निश्चित माने ये इस तरीके के मौलवियों के द्वारा अवैध मदरसों में, मस्जिदों की आड़ में ये यौन उत्पीड़न की घटनाएं, ये शर्मसार कर देने वाली है। आज हम मांग करने आए हैं कि ऐसे सभी अवैध मदरसों की जांच हो, ऐसे सभी मौलवियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच हो, अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाए और साथ ही साथ बुलडोजर के साथ साथ अवैध मदरसों के ऐसे मौलवी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि पर मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ मैं कांग्रेस के नेता और इन रुद्रपुर के भी जो पूर्व वाले नेता हूँ उनके भी कहना चाहता हूँ, इन मासूम बच्चियों का दर्द तुम्हें क्यों नहीं नजर आया? हर छोटे से लेके बड़े विषय पर तुम सड़कों पर निकल आते हो, लेकिन वो मासूम बच्चियां, केवल मौलवी है, मस्जिद के ऊपर मदरसा चला रहा है, एक वोट बैंक तुम्हारा ना चला जाए तुष्टिकरण के लिए, तुम उसके खिलाफ बोलने से डरते हो? जब धर्म के आधार पर ऐसे मौलवियों को संरक्षण दिया जाएगा, ये निश्चित रूप से ये इस प्रकार की बच्चियों के यौन शोषण को संरक्षण देना ये पाप है, अपराध है। तो आज हमने मांग की है। अभी हम